छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब आसमान छूने लगा है। दिन ब दिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने 21 सितंबर रात 9 से 28 सितंबर तक सख्त लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। इस लॉकडाउन के दौरान किसी भी दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं, यहां तक कि सब्जी विक्रेताओं तक को सब्जी बेचने की छूट नहीं दी गई है। पेट्रोल पंप में भी अति आवश्यक लोगों व सरकारी गाड़ियों को छोड़ अन्य किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल डलवाने की छूट नहीं दी गई है। वहीं अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए आमानाका स्थित भारत पेट्रोल पंप के संचालक बेवजह घूमने वाले लोगों को भी पेट्रोल मुहैया करवा रहे हैं। पेट्रोल पंप में कोई भी पेट्रोल डलवाने जाता है तो उनसे कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा जाता। वहीं पेट्रोल डालने वाले व्यक्ति से जब इस संबंध में पूछा जाता है कि यहां पर हर किसी को पेट्रोल दिया जा रहा है, तो उनका कहना है कि जब पंप के संचालक ने उन्हें यह छूट दी है कि किसी को भी पेट्रोल दे दो तो वह क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के नियमों की हो रही अवहेलना को लेकर जब हमने कलेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इस विषय से पल्ला झाड़ते हुए एडीएम से मिलने की बात कह दी। लगता है शायद कलेक्टर महोदय को भी अपने द्वारा दिए गए निर्देशों की धज्जा उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल जब इस विषय पर हमने एडीएम से बात करना चाहा तो वह भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर नियम कानून लागू होने के बावजूद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इन नियमों की धज्जियां उड़ते देख भी अगर जिला प्रशासन खामोश है और ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो फिर इस तरह के नियम बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सभी को पेट्रोल मिल रहा क्या अभी मैडम? कौन बोल दिया? कौन बोल दिया? सभी को दे रहे हैं? कलेक्टर का आदेश है क्या? देखना, ये तो बोल रहे हैं। अंदर में कौन बोला है? अंदर में कौन बोल दिया इसे कि कलेक्टर का आदेश नहीं मान रहे? समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, अंदर यानी ऑफिस वाले आप ही वाले बोले हैं? ऑफिस वाले नहीं, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। कोई मेरे को शिकायत करता है कि बिना आइडेंटिटी कार्ड चेक करे पेट्रोल प्रदाय किया जा रहा है तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी किया जाएगा और तस्दीक किया जाएगा इसमें किसको दिया गया है उसके बाद। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।